बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने धूम 3 का रिव्यू देने जा रहा हूँ। मैंने मूवी देखी धूम 3, जो इस साल की सबसे अवेटेड मूवी थी, और इस मूवी को मैं 3 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। पिक्चर मुझे 2.5 स्टार लगी, पर हाफ स्टार फॉर द ग्रैंड स्केल एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड सिनेमाटोग्राफी एंड द हाइप एंड इट्स एन आमिर खान फिल्म, सो उस कारण। अदरवाइज मूवी अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। तो स्टोरी पहले शुरुआत करते हैं। स्टोरी कुछ खास नहीं है, हम जादूगर होते हैं और सर्कस चलाते हैं जैकी श्रॉफ, और उन किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है और उस डेथ का बदला लेते हैं उनके बेटे आमिर खान, और बैंक वालों से लेते हैं क्योंकि बैंक लोन के कारण उनकी डेथ होती है। और उस वो फिर वो चोरियां करते हैं बैंक में, और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा आते हैं। तो कैसे इनकी लड़ाई होती है, ये पिक्चर का शेष भाग है। तो पिक्चर अच्छी है लेकिन फर्स्ट हाफ में थोड़ा एवरेज एंटरटेनमेंट है, सेकेंड हाफ बहुत अच्छा है। सेकेंड हाफ में सोल है, हार्ट है। असली जो पिक्चर मुझे अच्छी लगी सेकेंड हाफ में लगी, जो कि सस्पेंस है, इसमें इंटरवल में सस्पेंस आता है। जो आमिर खान के डबल रोल हैं, जो सेकेंड वाला आमिर है, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और पिक्चर में चेस सीन्स बहुत अच्छे हैं, स्टंट अच्छे हैं, कोरियोग्राफी इंडिया की बेस्ट है, प्रोडक्शन डिज़ाइन बेस्ट है, लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो आदित्य चोपड़ा को क्रेडिट जाता है, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पिक्चर को प्रोड्यूस किया है, और जिस डायरेक्टर ने टशन पिक्चर बनाई थी विक्टर ने, उन पर भरोसा किया है, विजय आचार्य पे, और उन्होंने ये फिल्म अच्छी बनाई है। बड़ा स्केल था तो डायरेक्शन मुश्किल था, उन्होंने अच्छा करा है। तो परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आमिर खान अच्छे हैं पर बहुत अच्छे नहीं हैं। वो एफर्ट उनका हर जगह दिखता है, बहुत मेहनत करी उन्होंने पर वो मेहनत हर सीन में दिखती है। तो अगर वो एफर्टलेसली करते तो और भी अच्छा लगता। हालांकि उन्होंने टैप डांस वगैरह सब ट्राई करा है लेकिन उन पर इतना सूट नहीं होता है स्टंट वगैरह, पर इमोशनल सीन्स में वो बहुत अच्छे हैं। और अभिषेक बच्चन भी अच्छे हैं, उन्होंने अपना रोल बहुत सिंसियरली और सीरियस तरीके से किया है, और आमिर खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने एक्टिंग करी है, तो बहुत अच्छी बात है वो। उदय चोपड़ा कुछ कुछ सीन्स में बहुत इरिटेटिंग है और कुछ सीन्स में एंटरटेनिंग है, उनके कुछ वन लाइनर्स अच्छे भी हैं। और कैटरीना कैफ का रोल नहीं है, बहुत ही कम है, छोटा सा रोल है, लेकिन जो उनको डांस और एक्रोबैट्स और जो भी उनको गाने वाने मिले हैं वो बहुत अच्छे करे हैं उन्होंने। एंड शी हैज़ लुक सो ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो शी परफॉर्म द एक्रोबैटिक्स सो वंडरफुली एंड शी वॉज द आई कैंडी इन द मूवी, तो उन्होंने अपना रोल ठीक किया है। बाकी जैकी श्रॉफ का रोल है और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, छोटा सा रोल है। जो बच्चा है, जो चाइल्ड आर्टिस्ट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड लड़का है, उसका रोल बहुत अच्छा है। फिर बाकी पिक्चर 3 घंटे की है पर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि सेकेंड हाफ में काफ़ी सोल है, काफ़ी स्टोरी है, तो अच्छा लगता है। तो मुझे तो आमिर खान की एक्टिंग अच्छी है लेकिन जो दूसरे वाले आमिर की एक्टिंग है जो इंटरवल के बाद आती है, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी। वो तो बहुत ही बढ़िया थे, हाँ, वो थोड़ा हकलाते हैं पिक्चर में। और तो ओवरऑल ये फिल्म श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर तो है ही, और क्रिसमस है, न्यू ईयर है, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, आमिर खान की मूवी है, धूम 3 इतना बड़ा ब्रांड है धूम, तो वो सब चीज़ें हैं, और इतना पैसा खर्चा, हर फ्रेम इतनी महंगी है, उस कारण भी। उदय चोपड़ा तो जो है वो पुलिस वाले रोल में थे लेकिन वो पुलिस कम और गुंडे ज़्यादा लगे। सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं मूवी के, जो मलंग गाना है वो 5 करोड़ रुपये का गाना फिल्माया है, वो दिखता है पैसा स्क्रीन पे जो खर्चा है गाने में, इतना विजुअली इतना बड़ा है, भव्य है, इतना अच्छा है, तो वो गाना सुनने में भी अच्छा है और कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी है उस गाने की, वो हाईलाइट है इस मूवी का। टैप डांस अच्छा है, ठीक है, आमिर का मेहनत दिखती है उसमें। दूसरा कमली जो गाना है, जो कैटरीना कैफ का स्ट्रिप्टीज नंबर है, वो बहुत अच्छा है उसमें, वो बहुत ही बढ़िया नाची हैं, इतना अच्छा डाउन उन्होंने डांस करा है, तो वो एक उनको मौका मिला अपने टैलेंट दिखाने का उस गाने में। तो ओवरऑल मैं इस पिक्चर को 3 स्टार्स देता हूँ। पिक्चर अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, पर फिर भी गुड एंटरटेनमेंट है, गुड हॉलीडे सीजन के लिए अच्छा एंटरटेनमेंट है। थोड़ी 15-20 मिनट छोटी हो जाती तो और भी स्क्रिप्ट टाइट लगती, लेकिन फिर भी एक बार देखने लायक है। और धूम के जो फैंस हैं, धूम फ्रेंचाइज के, उनके लिए तो अच्छी ही है, और आमिर खान के फैंस के लिए भी अच्छी है। आमिर खान ने एक नया फिर से रोल ट्राई करा, विलेन का भी रोल ट्राई करा और डिफरेंट रोल ट्राई करा, तो आमिर खान शायद सब कुछ कर सकते हैं, और अपनी वर्सटैलिटी हर पिक्चर में दिखाते रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।